मधुपुर गांव में एक प्रसिद्ध होटल था। कुमारी उस होटल की मालिक थी। एक दिन उसने अपने दोस्त श्रीराम से कही, श्रीराम, दिन ब दिन जो ग्राहक मेरे होटल में आते थे वो कम हो रहे हैं, जबकि पकवान स्वादिष्ट होते हैं फिर भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं। चिंता मत करो कुमारी, व्यापार में मुनाफा और घाटा चलता रहता है। वैसे भी आजकल लोग बहुत मसालेदार खाना खा रहे हैं, तुम भी मसालेदार पकवान बनाओ और फिर देखो ग्राहक खुद ब खुद तुम्हारे यहाँ आने लगेंगे। हमारे गांव में तरह तरह के मसाले जो नहीं मिलते। अगर हमारे यहाँ नहीं मिलते चलो शहर जाके ले आते हैं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तरह तरह के मसाले खरीदने में मदद करूँगा। फिर कुमारी और श्रीराम शहर गए। दुर्भाग्य क्रम से कुमारी की दुर्घटना में मौत हो गई। ये देखकर श्रीराम काफी डर गया और सोचा कि अपनी माँ के पास जाके सारी बात बता दिया जाए, इसीलिए वो अपनी गांव आ गया। जब श्रीराम गांव जा रहा था उसे महसूस हुआ कि पीछे से मानो कोई बुला रहा हो और वो पलट के देखा, फिर उसे कुमारी दिखी। उसे देखकर श्रीराम चौंक गया और कहा, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी ना, तुम फिर जिंदा कैसे हो गई? तुम शैतान तो नहीं हो ना? ये कहकर वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। हमेशा की तरह कुमारी ने होटल खोला। जो भी पकवान उसे बनाना था बहुत स्वादिष्ट बनाया हमेशा की तरह, और पहले से ज्यादा मात्रा में ग्राहक आना शुरू हो गया। पर श्रीराम को शक था कि कुमारी एक शैतान है। उसने गाँव वालों को कई दफे इस बारे में कही पर उसकी बातों पे कोई विश्वास ही नहीं किया। बहुत वक्त निकल गया। एक दिन श्रीराम ने देखा कुमारी खाना बना रही है शैतान के रूप में। ये देखकर श्रीराम चौंक गया और सोचा कि सबको ये सच्चाई कैसे बताया जाए। फिर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और वीडियो बना लिया, जब शैतान के रूप में कुमारी खाना बना रही थी। उसी वक्त जल्दी से वो गांव के मुखिया के पास गया वो वीडियो दिखाने के लिए। श्रीमान, ये जो कुमारी की होटल में है वो कुमारी नहीं है, एक शैतान है। क्योंकि किसी ने विश्वास नहीं किया मैंने वीडियो बना लिया जब कुमारी शैतान के रूप में खाना बना रही थी। वो वीडियो देखकर मुखिया जी ने श्रीराम को गुस्से से देखा। फिर जब वो वीडियो वो खुद देखा तो चौंक गया। वो शैतान के जगह कुमारी खाना बना रही थी। मुखिया जी ने चेतावनी देकर उसे वहां से भेज दिया। श्रीराम अचंभित था कि कैसे वीडियो बदल गया। अचानक उसी वक्त शैतान उसके सामने प्रकट हुई। देखो श्रीराम, मैं तुम्हें और न ही गांव वालों को परेशान करूंगी। मेरा प्यार इस होटल के लिए है। शैतान बनने के बाद भी मैं इसे चला रही हूँ। तुम किसी को भी ये बात मत बताना। इस तरह कुमारी ने विनती की। कुछ दिनों के बाद दो गांव वालों ने कुमारी को देखा जब वो शैतान बन के खाना पका रही थी, और जाके मुखिया जी से कही पूरी बात। अच्छा, अगर तुम जो कह रहे हो सच है तो मैं खुद एक बार अपनी आंखों से देखूंगा, फिर सोचूंगा क्या करना चाहिए। ये कहकर वो होटल गए और कुमारी को शैतान बनकर खाना पकाते देखे। ये देखकर मुखिया जी वहां से चले गए। दूसरे दिन सारे गांव वाले आए मुखिया जी के घर के पास उनकी राय जानने के लिए। सारे गाँव वाले काफी उत्सुक थे कि वो क्या फैसला लेंगे कुमारी को लेकर। आपने जो कही है वो सही है, मैंने भी कुमारी को शैतान के रूप में देखा, पर वो हमें कुछ परेशान नहीं कर रही है, है ना? ऐसा तक कि मौत के बाद भी वो शैतान बनकर अपना प्यार दिखा रही है होटल के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि होटल कुमारी का ही है। जो खाना वो बनाती है वो भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तरह तरह के पकवान बना के वो हमें खिलाती है। दूसरे गांव में भी हमारे गांव की पहचान इसी होटल से होती है। हमारे गांव का भी अच्छा नाम है सबके आगे, इसीलिए मैं उसे इस गांव से भेजना नहीं चाहता। अगर आप लोग चाहते हैं स्वादिष्ट खाना खाना शैतान के होटल से तो जाइए, नहीं तो मत जाइए। ये कहकर मुखिया जी घर के अंदर चले गए। उसके बाद सारे गाँव वाले अपने में बात करने लगे। शैतान है ये जानने से पहले भी हम उसके होटल में खाना खाते ही थे, अब भी हम वैसे ही खाना खाएंगे जैसे कि हमें कुछ पता ही ना हो। गांव वाले उस होटल में खाना खाना पसंद करते थे ये जानने के बाद भी कि वो एक शैतान है, क्योंकि वहाँ बहुत स्वादिष्ट भोजन मिलता था। इसी तरह कुमारी का होटल का व्यापार अच्छे से चलने लगा और लोग स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ लेते रहे। अनुज नाम का एक डिलीवरी बॉय काम करता था LPG गैस एजेंसी में। हर दिन वो गैस सिलेंडर लोड करता था ऑटो में और कस्टमर्स के यहाँ डिलीवर करता था जिन्होंने बुक किया हो।
एक दिन अनुज का गैस ऑटो गांव के एक जगह पे आके रुकी। मैं सबको अनुरोध करता हूँ, ग्राहकों को जिन्होंने गैस सिलेंडर बुक की है, यहाँ आकर अपना सिलेंडर ले जाए। फिर जिन्होंने अपना सिलेंडर बुक किया अनुज के पास आकर पैसे देकर सिलेंडर ले गए। इस बीच एक बुजुर्ग महिला रागिनी नाम की वहाँ आकर कहने लगी, देखो अनुज, मेरा पोता घर पे नहीं है, उसका फोन काम नहीं कर रहा है कि गैस सिलेंडर बुक हो सके। अब हमारा सिलेंडर भी खत्म हो गया है, इस उम्र में चूल्हे की आग में खाना पकाना मुश्किल है। हाँ हाँ, मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं। आप मुझसे कह रही है कि सिलेंडर देना बिना बुकिंग किए हुए, है ना? हाँ अनुज, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, जरा सिलेंडर मेरे घर तक पहुंचा देना। ठीक है मैं आपको सिलेंडर देता हूँ, पर एक सिलेंडर की कीमत 500 रुपए है। अगर आप मुझे 1000 रुपए दिए तो मैं आपको बिना बुकिंग के दे दूंगा। हे भगवान, 1000, कुछ तो कम करो बेटा। हाँ चलिए फिर 1200 दे दीजिए। नहीं नहीं अनुज, ये लो 1000, खाली सिलेंडर मेरे घर पे है, ये जाके घर पे रख दो और खाली सिलेंडर ले आओ। ये कहकर अनुज ने वही किया जो उन्होंने कहा। जब वो अपने ऑटो से वापस जा रहा था, गोविंद नाम का एक इंसान आकर बोला, मैं देख रहा हूँ 2 दिनों से तुम गांव से चले जा रहे हो हमें सिलेंडर दिए बिना। 3 दिन हो गए हमने सिलेंडर बुक किया है। गोविंद जी, मुझे आपके नाम का कोई भी बिल नहीं मिली है। बिल नहीं मिली? या फिर तुम गैस सिलेंडर का काला बाजारी कर रहे हो? ओए गोविंद जी, सोच के बात कीजिए। अच्छा वो बिल दे दो जो तुम्हारे पास है, फिर मैं देखता हूँ मेरा बिल उसमें है या नहीं। दिखाओ दिखाओ, देखूं जरा मैं। फिर अनुज डर गया और डर डर के उसने गोविंद को वो बिल्स दिए। गोविंद को अपना नाम बिल में मिल गया और अनुज से कहा, ये क्या है अनुज, तुमने कहा मेरा बिल नहीं है, मेरा बिल कहाँ से आया यहाँ? फिर अनुज गुस्से से कहा, लो मैं अभी आपका बिल फेंक देता हूँ, जाओ जिसको शिकायत करना है करो और बताओ क्या कर सकते हो। असल में अनुज सही में गैस सिलेंडर को काला बाजार में पैसे लेकर बेच रहा था। गोविंद भी समझ गया। दूसरे दिन जब अनुज सिलेंडर ऑटो में लाद के गांव ले आया, गोविंद ने एक सिलेंडर अनुज के ऑटो से चुपके से हटा ली और ऐसा रोज होने लगा। गैस एजेंसी के ऑफिसर्स अनुज से सवाल करने लगे, अनुज हर दिन एक सिलेंडर तुम्हारी गाड़ी से गायब हो रही है। सर मुझे कुछ पता नहीं। तुम कितने गैर जिम्मेदार हो, अब तुम्हें उन सारे सिलेंडर्स के पैसे देने पड़ेंगे जितने भी सिलेंडर्स गायब हुए हैं तुम्हारे गाड़ी से, क्योंकि तुम जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाए हो। क्योंकि और कुछ चारा नहीं था, अनुज ने सारे गायब हुए सिलेंडर्स के पैसे भरे। कोई है जो जानबूझकर ये कर रहा है? जितने पैसे मैंने अवैध रूप से बेचकर कमाए नहीं, उससे ज्यादा पैसे मैंने भरे हैं इसके लिए। इस बार उसने सारे सिलेंडर्स को चेन से बांध दिया। फिर वो गांव गया, कुछ ही देर में उसने सारे सिलेंडर्स बांट दिए और बस 3 सिलेंडर्स उसके ऑटो में बचे। फिर उन्हें भी ताला लगाकर ऑटो को आगे बढ़ाया। इस बीच गोविंद वहां आया और एक सिलेंडर निकालने की कोशिश की, पर उसके लिए बहुत मुश्किल था कि सिलेंडर निकाले क्योंकि अनुज ने ताला लगा दी थी। फिर गोविंद ने एक पैराशूट बांध दी उस चेन से जो कि सिलेंडर से बंधा हुआ था और बटन दबाई और वो सारे सिलेंडर्स एक साथ उड़ गए। ये देखकर अनुज उन्हें पकड़ने गया। सिलेंडर्स के साथ अनुज भी उड़ने लगा हवा में। अनुज को देखकर गांव वाले हंसने लगे और ऐसे ही लालच की वजह से अनुज मुसीबत में फंस गया। किशोर बहुत ज्यादा दीवाना था ऑनलाइन स्कैम के और कुछ कामकाज किए बिना ही दिन भर फोन पे बात करते रहता था। एक दिन किशोर की माँ अनुजा कही उससे, किशोर कुछ काम काज किए बिना ही दिन भर फोन पे गेम्स क्यों खेलते रहते हो? घर से बाहर जाकर कुछ काम भी ढूंढ सकते हो ना? माँ आप तो जब देखो पीछे ही पड़ी रहती है, अच्छे से खेलने भी नहीं देती है, क्या करूँ मैं बोलो आप। इसी बीच किशोर का दोस्त रवि आता है वहाँ। उसे देखकर अनुजा ने कहा, आओ आओ रवि, मैं सोच ही रही थी कि तुम क्यों नहीं आए अभी तक, आ गए हो तो बैठ जाओ और दिन भर गेम खेलो। अरे आंटी आप ऐसी बात क्यों कर रही है, हम तो बस खेलते ही है ना। मैं कह रही हूँ कि कुछ काम धाम करो, दिन भर खेलने से बेहतर है। अगर तुम कुछ काम करोगे तो कुछ पैसे भी कमाओगे, है ना? ठीक है आंटी, आपने जब कहा है तो हम काम ढूंढ लेंगे। ये कहकर दोनों घर से बाहर चले गए। अरे यार हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं हर कोई हमें यही कहता है, मत खेलो मत खेलो। चलो इन लोगों से हम कहीं दूर चले जाते हैं और किसी सुनसान जगह पे जाके गेम्स खेलते हैं। सुनसान जगह का मतलब गांव के बाहर एक बड़ा सा पेड़ है, अगर हम वहां जाते हैं तो कोई हमें तंग नहीं करेगा। फिर दोनों दोस्त उस पेड़ के नीचे चले गए। गेम्स खेलते खेलते उन्हें वक्त का ध्यान ही नहीं रहा।
रात हो गई और शैतान वहाँ आ गई जोर जोर से हंसते हुए। ओए लड़के, यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन उन दोनों दोस्तों को पता ही नहीं था कि वो एक शैतान है और बिना कुछ देखे ही खेलने में जुड़ गए। देख नहीं रही हो, हम गेम खेल रहे हैं यहाँ। ये जवाब सुनकर शैतान बहुत नाराज हो गई और कही, अच्छा तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं शैतान हूँ। अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बैठकर खेल देखो, नहीं तो जा सकती हो यहाँ से। बस परेशान मत करो। फिर शैतान ने देखा कि वो गेम खेल रहे हैं, फिर उसे भी वो पसंद आ गया। शैतान उत्सुकता से गेम को देखने लगी। कुछ देर के बाद गेम खत्म हो गई और वो जोरों से चिल्लाए, हे 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 हिप हुर्रे, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, वाह। शैतान भी चिल्लाई, हाँ हम जीत गए, हम जीत गए। अरे देखो देखो, ये तो शैतान है, हमारे बीच में बैठी है। बहुत मजेदार था, मुझे बहुत पसंद आया, मैं भी खेलूंगी ये गेम तुम लोगों के साथ। इसी के साथ दोनों दोस्तों ने सोचा, अरे यार हमें इस शैतान से भाग निकलना होगा। नहीं नहीं, फोन पे नहीं, इस बार चलो सच में हम गेम खेलते हैं। तुम्हें कहीं जाके छुपना होगा, जैसे हम इस गेम में छुप जाते थे, फिर हम तुम्हें ढूंढेंगे जाके कि तुम कहाँ छुपी हो, समझ गई? हाँ ये अच्छा है, अब तुम दोनों अपनी आंखें बंद करो, फिर मैं कहीं जाके छुप जाती हूँ। दोनों दोस्तों ने अपनी मंजूरी दी और ऐसा दिखावा किया कि आंखें बंद कर चुके हैं। जैसे ही शैतान छुपने गई, दोनों ने कहा, चलो भागो जल्दी, अगर हम यहाँ रह गए फिर शैतान जो कि गेम के लिए पागल है हमें भी नहीं छोड़ेगी। ये कहकर वो भागकर घर पहुँच गए, पर वो शैतान उसके बाद भी उनके लिए बहुत इंतजार की। और इस तरह किशोर और रवि अपनी चालाकी और बुद्धि के इस्तेमाल से शैतान के हाथ से बच गए। इसीलिए हमें स्थिति के मुताबिक कदम उठाना चाहिए, वो भी चतुराई से।